नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। रिपोर्टर लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोने। रिपोर्टर लाइव में हम आपको दिन भर की तमाम महत्वपूर्ण खबर देंगे हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से। चलिए शुरुआत करते हैं रिपोर्टर लाइव का सिलसिला। और पहली खबर, बजट को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सांसद और विधायकों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की है। इस खबर पर ज्यादा अपडेट्स दे रहे हैं हमारे सहयोगी अखंड प्रताप शाही। प्रदेश के मंडलवार प्रतिनिधियों के साथ हुई समीक्षा बैठकों के बाद आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के मंत्रियों और अधिकारियों के साथ एक मीटिंग करते हुए बजट के आगामी बजट के प्रावधानों को लेकर चर्चा की और इसके साथ ही उन्होंने कुछ अहम निर्देश भी अधिकारियों को दिए हैं। इसमें 25 करोड़ जनाकांक्षा के मुताबिक जो बजट लोक कल्याण संकल्प पत्र के तैयार के अनुरूप तैयार करने का निर्देश उन्होंने दिया है। और उन्होंने साथ ही ये भी कहा है कि मंडलवार समीक्षा के बाद जो अधिकारियों के साथ बैठक हुई थी वो उसमें उन्होंने जो जनप्रतिनिधियों की तरफ से सुझाए गए कुछ प्रस्ताव थे उनको भी लेकर और जो रास्ते सुझाए गए थे संवाद के उनको लेकर भी अधिकारियों को ताकीद की कि जन अपेक्षाओं पे आप खरा उतरिए और जो जनप्रतिनिधि हैं उनके प्रति आपकी जो संवाद की जो प्रक्रिया है वो लगातार बनी रहनी चाहिए। लगातार आप उनसे संवाद में रहें, उनके साथ संपर्क में रहें और अगर उनके कोई निर्देश होते हैं तो उसे फौरन पालन किया जाए। उन्होंने साथ में कहा कि सही समय पर बिजली बिल मिलना सुनिश्चित किया जाए और वसूली के लिए उत्पीड़न बंद हो। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि नगरीय विकास का खाका बनाए, एक मॉडल बनाए और शहरों की स्थापना के लिए तेज प्रयास करें। उन्होंने साथ में पेंशन और छात्रवृत्ति और पुराने राजकीय इंटर कॉलेजों के जीर्णोद्धार की भी बात कही। कुल मिलाकर जो उत्तर प्रदेश का बजट होने वाला है ये आगामी बजट निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश बीजेपी की तरफ से जो जन कल्याण संकल्प पत्र जारी किया गया था चुनाव के दौरान उसकी पूरी आभा में मिला हुआ दिखाई देगा, उसकी पूरी आभा से लिपटा हुआ दिखाई देगा। और उम्मीद है कि बीजेपी इस बार जो संकल्प जो बजट लाएगी वो कहीं ना कहीं चुनावी बजट भी होगा। कैमरा मैन सुभाष चंद्रा के साथ अखंड प्रताप शाही, इंडिया वॉयस, लखनऊ। त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया है और इससे पहले बीजेपी और कांग्रेस ने आज अपनी पहली चुनावी लिस्ट जारी की है। बता रहे हमारे सहयोगी नितिन चौधरी। की तारीख के ऐलान होने के बाद वहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की सूची भी जारी कर दी है। वहीं आपको बता दें कि स्टार प्रचारक की भी सूची वहां पर जारी की गई है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की तरफ से दोनों पार्टियों ने पूरी तरीके से मेहनत करने का भी जोर यहाँ पर लगा दिया गया। लेकिन जिस तरीके से त्रिपुरा की तारीखों का ऐलान हुआ है कि आखिरकार त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव होने हैं तो उसमें कि इस तरीके की जो तारीख दी गई है कि आखिरकार 17 उम्मीदवारों का जो नाम है कांग्रेस पार्टी ने उतारा, वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने कैंडिडेटों का जो नाम है उसका भी ऐलान कर दिया गया है। कांग्रेस ने आगामी त्रिपुरा विधानसभा चुनाव 2023 के लिए 17 उम्मीदवारों की सूची की भी घोषणा कर दी है। वहीं सुदीप राय अग्रतल से चुनाव लड़ेंगे। वहीं टाउन वर्दीवल सीट से सीएम मणिका शाह के सामने आशीष कुमार शाह को उम्मीदवार बनाया गया है। दोनों के बीच कड़ी टक्कर देखनी होगी। त्रिपुरा में 60 विधानसभा सीट है। 16 फरवरी को मतदान होने जा रहे हैं और यहां 2 मार्च को नतीजे आएंगे। नामांकन अंतिम तारीख 30 जनवरी है। उम्मीदवारों की दी गई जानकारी यानी कि नॉमिनेशन की जांच 31 जनवरी को होगी। वहीं स्टार प्रचारकों की बात की जाए तो त्रिपुरा में तो वहीं इतने प्रचारकों की सूची भी जारी कर दी है। तो सूची में पहला नाम जो है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे का नाम है। सांसद राहुल गांधी और अधीर रंजन चौधरी, प्रियंका गांधी वाड्रा, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, हिमाचल के सीएम सुक्कू, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट का नाम इसमें शामिल किया गया है। जैसे ही त्रिपुरा विधानसभा चुनावों की लिस्ट तारीखों का ऐलान हुआ था तो वहीं आपको बता दें कि दोनों पार्टी पूरी तरीके से जोरों पर टक्कर देख रही है। जिस तरीके से त्रिपुरा में कांग्रेस भी अपनी पूरी मेहनत झोंकने का कार्य करेगी, वहीं भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तरीके से अपनी मेहनत में पीछे नहीं हटेगी। लेकिन अब देखना होगा कि आखिरकार किसके हाथ में ताजपोशी आएगी। कैमरामैन निकांत के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस। मध्य प्रदेश के मुरैना में शनिवार सुबह बड़ा हादसा हुआ जिसमें वायुसेना के 2 एयरक्राफ्ट सुखोई और मिराज दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं। हादसे में एक पायलट की भी जान गई है। खबर पर ज्यादा अपडेट्स दे रही हमारे सहयोगी पूजा झा। मध्य प्रदेश के मुरैना में एक बड़ा हादसा हुआ आज। वायुसेना के 2 लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गए।
सुकोई 30 और मिराज 200 विमान अभ्यास के दौरान आपस में टकरा गए, जिसके बाद बड़ा हादसा हुआ। वहीं बताया जा रहा है इस हादसे के बाद राहत बचाव दल मौके पर पहुंचा। वायुसेना ने हालांकि इस हादसे पर जांच बिठा दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी एयरफोर्स के चीफ से इस घटना को लेकर जानकारी ली और इस पूरी घटना पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नजर बनाए हुए हैं। साथ ही कहा जा रहा है कि हादसे के वक्त एक लड़ाकू विमान में दो पायलट और दूसरे विमान में एक पायलट मौजूद था, जिसमें से दो पायलटों को बचा लिया जा चुका है, लेकिन एक पायलट की इस हादसे में मौत हो गई है। यह हादसा मुरैना जिले के पहाड़गढ़ विकास खंड के जंगल में हुआ। आसमान में आग लगते हुए तेज गति से दोनों जमीन की ओर आते देखे गए। बताया जा रहा है कि इस हादसे में एक पायलट शहीद हो गया। मुरैना के SP आशुतोष बागरी ने बताया, शनिवार सुबह दो विमान मिराज और सुखोई ग्वालियर से उड़े थे। एक विमान में दो पायलट और दूसरे में एक पायलट था। हादसे के बाद दो पायलट को रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन एक पायलट की मौत हो गई। वहीं इस हादसे को लेकर स्थानीय लोगों का कहना है कि जब इस विमान में आग लगी तब वो मुरैना के कैलारस कस्बे के ऊपर था, और जब लोगों को हादसे का पता चला तो उन्होंने देखा कि गांव के ऊपर ही इस विमान में, दोनों लड़ाकू विमानों में आग लगी हुई थी। हवा में उन्होंने विमान में आग लगते हुए देखा और लोगों में दहशत बन गई कि अगर ये विमान का जो मलबा है वो गांव में या उसके आसपास गिरता तो पूरा का पूरा कस्बा तबाह हो सकता था, लेकिन जो विमान का मलबा है वो कहीं दूर जाकर गिरा। स्थानीय लोगों का कहना है कि पायलट ने अपनी सूझबूझ और अपनी जान की बाजी लगाकर गाँव को तबाह होने से बचाया है। फिलहाल इस हादसे पर वायुसेना ने जांच बिठा दी है। अब देखना होगा कि हादसे के पीछे क्या कुछ वजह निकलकर सामने आती है। कैमरामैन निकांत के साथ मैं पूजा झा। उधर राजस्थान के भरतपुर में भी वायुसेना का एक एयरक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। खबर पर ज्यादा अपडेट्स दे रहे हमारे सहयोगी दिनकर आनंद। राजस्थान के भरतपुर में भारतीय सेना का एक सुरक्षा विमान क्रैश हो गया। फाइटर जेट जैसे ही क्रैश हुआ वैसे ही उसमें काफ़ी तेज आग लगी। फाइटर जेट राजस्थान के भरतपुर में खाली मैदान में क्रैश हुआ। गनमत रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। वहीं बता दें कि जब यह जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त आसपास के गाँव वाले दहल गए और गाँव वाले घटनास्थल की ओर तेज़ी से भागे। वहीं सुरक्षा विभाग का कहना है इस मामले में कि प्रशिक्षण के दौरान यह हादसा हुआ है। इस हादसे पर और आगे की जानकारी आपको दी जाएगी। कैमरा पर्सन निक्की के साथ मैं दिनकर आनंद। पीएम मोदी शनिवार सुबह राजस्थान के भीलवाड़ा पहुंचे और प्रधानमंत्री ने वहां पर देवनारायण महोत्सव के अवतार कार्यक्रम को संबोधित किया। खबर पर ज्यादा अपडेट्स दे रहे हमारे सहयोगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में मालेश्वरी पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो वहां बता दिया जा रहा है कि इस तरीके का जो कार्यक्रम था वो देवनारायण की जयंती को संबोधित करने के लिए वहां राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में पहुंचे थे। लेकिन बताया जाता है कि आखिरकार गुजरों के एक देवता देव नारायण की जयंती है तो उसी को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संबोधित किया। कहा जाता है कि गुजरों के सबसे बड़े भगवान जो माने जाते हैं वो देव नारायण माने जाते हैं, तो उनको संबोधित करते हुए कहा और इस तरीके की जो बातों भी उन्होंने जो है राजस्थान के भीलवाड़ा में कहा कि आखिरकार इस तरीके के जो चुनाव भी आ रहे हैं तो चुनावों से भी जोड़ा जा सकता है कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजर जो वोट्स हैं वहाँ पर राजस्थान में पूरी तरीके से अपनी भौगोलिक क्षेत्र है तो उसमें यही कहा गया कि देवता जो है देव नारायण वो गुजरों के भगवान है और गुजर इनको जो है पूरी तरीके से अच्छी तरह यहाँ पर जो मान्यता मानी जाती है गुजर देव नारायण की, तो उसी को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में जो है पहुँचे। भगवान श्री देव नारायण के विषय रूप से गुजर समाज में बड़ी मान्यता है। प्रधानमंत्री मोदी का इस दौरे को राजस्थान के आगामी विधानसभा चुनावों से जोड़ के भी देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार आज दोपहर राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में मालेश्वरी पहुंचे। मोदी ने विशेष विमान से उदयपुर के डवोक हवाई अड्डे पर उतरे और जहां पर वह हेलीकॉप्टर से मालेश्वरी पहुंचे। सरकारी बयान के अनुसार से प्रधानमंत्री मोदी 28 जनवरी को राजस्थान के भीलवाड़े में भगवान श्री देवनारायण की जयंती अवतार महोत्सव समारोह में संबोधित कर गए। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि होंगे। वहीं भगवान देवनारायण के अवतार महोत्सव में मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भीलवाड़ा के जिले में पहुंचे तो वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है देवनारायण की जयंती को जो है संबोधित करते हुए कहा कि इस तरीके से कि जिस जो गुजर लोग हैं वो देवता गुजरों के देवता माने जाते हैं तो उसी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना ये प्रोग्राम लगाया गया था। कहा जाता है कि चुनाव भी जो आ रहे हैं उस चुनाव के भी देखते हुए कि चुनावों में पूरी तरीके से अपनी ताकत झोंकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरा प्रयास लगाया जा रहा है कि राजस्थान के अंदर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर वापसी करे। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भीलवाड़ा जिले राजस्थान में पहुंचे तो भीलवाड़ा के लोगों को भी संबोधित करते हुए उन्होंने यही कहा कि इस तरीके की जो गुजर देवता हैं
देव नारायण, तो उस पर उन्होंने पुष्प वर्षित किया और पहले पूजा अर्चना भी की। कैमरामैन निक्की के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस। बीजेपी से समाजवादी पार्टी में गए स्वामी प्रसाद मौर्य, सपा MLC स्वामी प्रसाद मौर्य आए दिन रामचरितमानस और सनातन धर्म को लेकर विवादों में चल रहे हैं, सुर्खियों में चल रहे हैं, और उसको लेकर अखिलेश यादव ने आज उन्हें तलब किया, मुलाकात के लिए बुलाया। खबर पर ज्यादा अपडेट्स दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रेम पाठक। रामचरितमानस को लेकर दिए अपने विवादित बयान को लेकर चौतरफा घिरे हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से पार्टी कार्यालय पर मुलाकात करी। तकरीबन एक घंटे तक ये मुलाकात चली और उसके बाद अखिलेश यादव बिना मीडिया से बात किए हुए पार्टी कार्यालय से निकले। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य जब इस बैठक के बाद में बाहर निकले तो उन्होंने मीडिया से बात करी। उन्होंने कहा कि उन्होंने जो रामचरितमानस को लेकर बयान दिए हैं उसको लेकर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है और ना ही वो इसको लेकर माफ़ी मांगेंगे, चूँकि उन्होंने जो कहा है वो बिल्कुल सही है और कुछ चौपाइयों को रामचरितमानस से बैन किया जाना चाहिए, चूँकि उसमें कुछ विशेष समुदाय के लोगों को आहत जो है इससे पहुँच रही है। इसके अलावा जब इस बात का सवाल स्वामी प्रसाद मौर्य से किया गया कि अखिलेश यादव ने उनके इस बयान को लेकर क्या प्रतिक्रिया करी, जब इस मुद्दे को लेकर चर्चा हुई तो इस सवाल से बचते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य नजर आया और उन्होंने कहा कि हर मुद्दे को लेकर बात हुई है, तो जाहिर तौर पर यह माना जा रहा है कि आज जब ये मुलाकात हुई स्वामी प्रसाद मौर्य की अखिलेश यादव के साथ में तो अखिलेश यादव ने कड़ी नाराजगी जो है वो जताई है और उनसे कहा है कि इस तरीके के बयानों से वो बचें। लेकिन साफ तौर पर स्वामी प्रसाद मौर्य अभी भी अपने बयानों को लेकर अड़िग हैं और उनका कहना है उन्होंने कोई भी गलत स्टेटमेंट नहीं दिया है और उन्होंने जो बात कही है उसको वो आगे भी कहते रहेंगे और अपने बयान पर वो अड़िग हैं। कैमरामैन सुभाष चंद्रा के साथ प्रियम पाठक, इंडिया वॉइस, लखनऊ। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के खूबसूरत गार्डन मुगल गार्डन का नाम बदल दिया गया है, इसका नाम क्या रखा गया है बता रहे हमारे सहयोगी नितिन। सरकार ने आज एक बड़ा फैसला लिया जहां राष्ट्रपति भवन के पास बने मुगल गार्डन का नाम आज चेंज कर दिया गया है। बताया जाता है कि पहले मुगल गार्डन को जो है मुगल गार्डन के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज उसका नाम जो है चेंज कर दिया गया है, उसमें जो है अमृत उद्यान के नाम से इसे जाना जाएगा। यहाँ पर लोग जो है बड़ी दूर दूर से आए जाते हैं और कहा जाता है कि इसमें अच्छे तरीके के जो फूल्स वगैरह लगे हुए हैं इनको लोग देखने के लिए आते हैं। लेकिन इसमें खास बात यह है कि सिर्फ फूलों की वजह से ही ज़्यादा जाना जाता है और कहा जाता है कि इसमें जो है 2 महीने के लिए सिर्फ इसे खोलने की जो है इजाज़त है यहाँ पर दी जाती है। हर साल इसे देखने के लिए लाखों के पर्यटक पहुंचते हैं। इस उद्यान में 138 तरह के गुलाब के फूल लगाए गए हैं। इस गार्डन में 10,000 से ज़्यादा 12 फूल भी लगाए गए हैं। इसके अलावा यह 5,000 मौसमी फूलों की प्रजाति भी है। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसे आम लोगों के लिए खोले जाने की शुरुआत की थी। तब हर साल मुगल गार्डन आम लोगों के लिए खोला जाता था, लेकिन अब इसका नाम चेंज करके जो है अमृत उद्यान के नाम से जाना जाएगा। इसमें बताया जाता है कि हर तरीके के फूल लगे हुए हैं और लोग यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग पहुँचते हैं। इसमें बताया जाता है कि 5,000 से मौसमी फूलों की प्रजाति अभी यहाँ पर देखने को मिलती है, लोग दूर दूर से देखने के लिए यहाँ आते हैं। जिस तरीके से मुगल गार्डन का जो नाम चेंज किया उसका जो अब अमृत उद्यान के नाम से जाना जाएगा, आप देखना होगा कि जिस तरीके से अमृत उद्यान के नाम से इसे जाना जाएगा और साथ ही इसमें काफ़ी तरीके के जो फूल्स वगैरह लगे हुए हैं इनमें लोग काफ़ी दूर दूर से लोग इसे देखने के लिए आते हैं। कैमरामैन निकांत के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस। पंजाब के आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को लंदन में एक प्रतिष्ठित अवार्ड से सम्मानित किया गया है। खबर पर ज्यादा अपडेट्स दे रहे हैं हमारे सहयोगी धीर राजपूत। पंजाब के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को 25 जनवरी को आयोजित लंदन में एक समारोह में प्रतिष्ठित जो है अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आपको बता दें कि इंडिया UK अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है राघव चड्ढा को, और यह सम्मान उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने जो है लोकतंत्र और न्याय का अनुभव किया हो और समाज में आने वाली चुनौतियों से कैसे निपटा जाए इसको लेकर के भी बेहतरीन प्रदर्शन किया हो। वहीं आपको बता दें कि राघव चड्ढा को सरकार और राजनीति श्रेणी में उत्कृष्ट उपलब्धि के रूप में सम्मानित किया गया है। वहीं इस पूरे मामले पर राघव चड्ढा ने कहा है कि उनको जो अवार्ड यानी कि जो पुरस्कार प्राप्त हुआ है वह जो है उनका यह पुरस्कार आप नामक एक असाधारण पार्टी का है और उसके असाधारण नेता और मेरे गुरु यानी कि अरविंद केजरीवाल का है। यह मैं उन्हें ही समर्पित करता हूं क्योंकि ये अपने आप में एक आउटस्टैंडिंग अचीवर्स सम्मान है जिसको लेकर के राघव चड्ढा ने अपनी जो है बयान इसको दिया है। और आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर राघव चड्ढा ने इसका श्रेय जो है वो आम आदमी पार्टी को दिया है और आम आदमी पार्टी के यानी कि उनके जो गुरु हैं अरविंद केजरीवाल उनको दिया है। कैमरामैन निक्की के साथ धीर राजपूत। गणतंत्र दिवस पर AMU में धार्मिक नारों को लेकर संभल से सांसद शफीकुर रहमान ने
छात्रों का समर्थन किया है। बता रहे हमारे सहयोगी सतीश सिंह। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर एमआईयू के बच्चों ने अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए मामला आया है, जिसको लेकर संबल के सांसद शफीक रहमान वर्ग का कहना है कि बच्चे हैं जोश में आने के बाद में उन्होंने नारे लगा दिए गए हैं। सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जिस तरीके से संबल के सांसद हमेशा चर्चित रहते हैं और आए बेत के बयान लगातार देते रहते हैं, ऐसा ही मामला जनपद संबल में कल आने के बाद में उनका एक बयान सामने आया। उनका यह भी कहना है कि जिस तरीके से मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, बच्चे थे जोश में आने के बाद में उन्होंने अल्लाह अकबर के नारे लगा दिए गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि बच्चों के खिलाफ में कानूनी कार्रवाई की जा रही है, पुलिस भी कार्रवाई कर रही है, लेकिन क्या बच्चे हैं उन्होंने अल्लाह अकबर के नारे लगाए हैं, वो खुदा या खुदा के नारे लगाए हैं। संबल सांसद का यह भी कहना है कि जिस तरीके से मुस्लिम समाज के लिए टारगेट किया जा रहा है, टारगेट करने पर मुस्लिम समाज के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। मेरे सहयोगी प्राण ठाकुर साथ मैं सतीश सिंह, इंडिया वॉइस न्यूज चैनल संबल। उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30% आरक्षण दिए जाने के बाद महिलाओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार प्रकट किया। बता रहे हमारे सहयोगी अभय केंतुरा। उत्तराखंड की धामी सरकार की एक और बड़ी उपलब्धि है, राज्य सरकार ने महिलाओं को राज्य नौकरियों में 30% आरक्षण देने का फैसला लिया है। सरकार के इस फैसले को अध्यादेश के रूप में मंजूरी मिल चुकी है, अब ये बाकायदा कानून बन चुका है। ऐसे में राज्य की जो महिलाएं जो नौकरियां होंगी उन नौकरियों में 30% आरक्षण की हकदार होंगी। महिलाओं की तरफ से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार प्रकट किया जा रहा है, धन्यवाद प्रकट किया जा रहा है। उनके द्वारा जो निर्णय लिया गया वो महिला हित का निर्णय है और राज्य में महिलाओं की जो स्थिति होगी और सुदृढ़ होती नजर आएगी। ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड राज्य में महिलाओं का भी बड़ा योगदान रहा है, राज्य निर्माण से लेकर राज्य आंदोलन तक की जो भूमिकाएं रही है वो राज्य हित की रही है। ऐसे में धामी सरकार चाहती है कि महिलाएं सशक्त बन सके, उनका विकास हो सके और उसी दिशा में कदम उठाया गया है। अब इस कदम का सीधे तौर पर कहें कि महिलाओं को बड़ा लाभ मिलेगा, आने वाले दिनों में महिलाएं पुरुषों का मुकाबला करती हुई नजर आएंगी। कैमरामैन हसनुल्लाह साथ अभय केंतुरा, इंडिया वॉइस देहरादून। और सोशल मीडिया में इन दिनों जबरदस्त ट्रेंड कर रहे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री हरिद्वार पहुंचे हुए हैं। खबर पर ज्यादा अपडेट्स दे रहे हमारे सहयोगी विकास सिंह चौहान। अपने अनोखे अंदाज से सुर्खियों में रहने वाले बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री पिछले दिनों उत्तराखंड के दौरे पर रहे, जिसके बाद वो हरिद्वार पहुंचे, जहां उनके साथ पतंजलि योगपीठ के आचार्य बालकिशन भी थे। आचार्य बालकिशन उनके साथ पूरे उत्तराखंड के दौरे पर भी रहे। हरिद्वार पहुंचने पर जहां आचार्य ने उनकी तारीफ के पुल बांधे, वहीं धीरेन्द्र शास्त्री ने जो हरिद्वार है उसके कई संतों के साथ भी यहां पर मुलाकात की। संतों ने धीरेन्द्र शास्त्री का समर्थन किया, जो उनके बयान आए धर्म को लेकर व सनातन धर्म को लेकर सभी ने एक मत होकर धीरेन्द्र शास्त्री का यहाँ पर समर्थन किया। वहीं पतंजलि योगपीठ के आचार्य बालकिशन ने भी धीरेन्द्र शास्त्री को एक धर्म का प्रोधा माना और कहा कि जो वो काम कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं धर्म की विजय हो रही है। विकास चौहान, इंडिया वॉइस, हरिद्वार। उधर नैनीताल के कॉलोनी क्षेत्र में वन तस्कर गिरोह का भांडाफोड़ किया है एसटीएफ ने। खबर पर ज्यादा अपडेट्स दे रहे हमारे सहयोगी। कल देर शाम कालाढूंगी थाने के पौलगढ़ गांव में 3 हाथी दांत तस्करों को पकड़ा गया और इसकी जो कार्रवाई की गई वह देहरादून एसटीएफ वन विभाग की टीम और क्षेत्रीय पुलिस द्वारा यहां पर संयुक्त कार्रवाई की गई, जिसमें 3 अभियुक्तों को तस्करी के दौरान मौके से ही पकड़ लिया गया और उनके पास से जो हाथी दांत बरामद हुआ है उसका वजन 9 किलो लगभग बताया गया है। और हाथी दांत का जो तस्करी का मामला था इससे पूर्व भी यहां पर देखने को उत्तराखंड में मिला है 2017-2019 में, जिसमें वन विभाग के 2 कर्मचारी वन आरक्षी और वन दरोगा को तुरंत निलंबन भी कर दिया गया। और इसी प्रकार जो एक हाथी दांत तस्करी का कारोबार यहाँ पर होता है, इसकी एक मुख्य वजह यह भी रही होगी कि कॉर्बेट के जंगलों से सटे गांव यहाँ पर हैं और कहीं ना कहीं पर इसका फायदा जो हाथी दांत तस्कर हैं उनको मिलता है। इंडिया वॉइस के लिए कालाढूंगी से मुकेश छिमवाल की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की बदायूं में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बता रहे हमारे सहयोगी सतीश सक्सेना। बदायूं जिले में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। आपको बता दें कि
तेज गति से आ रहे टेम्पो और पिकअप में आमने सामने की भिड़ंत बचाने के चक्कर में दोनों वाहन पलट गए। वहीं दोनों वाहनों में बैठे आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वह सभी अलग अलग जगहों के थे। सभी घायलों के लिए बदायूं जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां कुछ लोगों की हालत सीरियस बनी हुई है। वहीं आपको बता दें कि टेम्पो जो है तेज गति से चलाते हैं, लेकिन जो अंतरित होकर पलटते हैं, इनकी खास वजह यही देखने को मिली है कि यह ओवरलोड लेकर चलते हैं, जिसके लिए कहीं ना कहीं आपको बताएं कि जो ट्रैफिक पुलिस है वो भी उस पर भी सवाल उठते हैं, क्योंकि इतने स्पीड से चलाने वाले वाहनों पर पुलिस भी कोई लगाम लगाती हुई नहीं नज़र आ रही है। वहीं आपको बता दें कि ये जो हादसा हुआ है, ये बदायूं जिले के समीप एक मजिया गांव के पास में ये हादसा हुआ है, जिसमें काफ़ी लोगों के चोटें आई हुई हैं। कैमरामैन सोहेल के साथ सतीश सक्सेना, इंडिया वॉइस, बदायूं। उधर बिहार के भोजपुर में छापा मारने गई टीम पर आखिरकार किसने किया हमला, बता रही हमारी सहयोगी नेहा गुप्ता। भोजपुर में अवैध शराब के खिलाफ चल रहे अभियान के खिलाफ उत्पाद विभाग जो छापेमारी करने गई, उस पर स्थानीय शराब माफियों द्वारा हमला किया गया, जिसमें एक दर्जन जो उत्पाद विभाग की टीम थी वह जख्मी हो गए हैं। यह घटना बता दें कि भोजपुर जिले के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के घाघा महादलित टोले की घटना है, जहां बता दें कि शुक्रवार को देर रात जब उत्पाद विभाग की टीम को सूचना मिली थी कि अवैध शराब का निर्माण हो रहा है और इस धंधे में जो संलिप्त है उसकी गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी करने गई थी टीम, उस पर वह स्थानीय जो शराब माफिया था उस पर हमला कर दी गई, और जिसमें इस हमले में चार जो उत्पाद विभाग की गाड़ियां थी वो क्षतिग्रस्त हो गई हैं। इसके अलावा बता दें कि दरोगा समेत लगभग एक दर्जन उत्पाद विभाग के जो अधिकारी और वहां के जो कर्मी थे वह जख्मी हो गए, जिसके बाद उन्हें स्थानीय स्तर पर जो जगदीशपुर अस्पताल है वहां एडमिट कराया गया, वहां इलाज कराया गया। इसके बाद जो निर्देश जारी किया गया उसमें बताया गया कि अभी तक पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है, और जिस तरह से यह घटना हुई उसके बाद स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए और ईंट पत्थर से उत्पाद विभाग की टीम पर हमला भी कर दिए, जिसमें बताया जा रहा है कि जो लगभग एक दर्जन लोग जो उत्पाद विभाग की टीम की थे उसमें दरोगा समेत जो अधिकारी के साथ थे वह जख्मी हो गए। वहीं इस घटना के बाद जब चार लोगों को हिरासत लेकर पुलिस लेके आ रही थी, तब वहां के जो स्थानीय जो अवैध शराब में संलिप्त अपराधी हैं या कहा जाए कि माफिया हैं, उन्होंने हमला कर दिया, और जो उस घटना में जो चार लोगों को गिरफ्तारी की गई थी उसे भी छुड़ा के वो ले गए, और इसके बाद देर रात तक यह छापेमारी भी चल रही है, जिसमें लगातार बताया जा रहा है कि चार लोगों की गिरफ्तारी अभी फिलहाल हुई है। इसके बाद जानकारी दी गई है कि इसमें एफआईआर किया गया है, जो सूर्यभूषण जो इंस्पेक्टर हैं उनके द्वारा एफआईआर दिए, उनके बयान पर एफआईआर किया गया है, जिसमें बताया गया कि 15 लोगों पर नामजद अभियुक्त बनाया गया, इसके अलावा अज्ञात पर भी एफआईआर दर्ज किया गया है, साथ ही चार लोगों की गिरफ्तारी की सूचना है। इस घटना में लगातार यहाँ के पुलिस अधिकारी भी लगे हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से उत्पाद विभाग द्वारा छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है और भोजपुर सहित पूरे बिहार में जो शराब के खिलाफ जो अभियान चलाया जा रहा है इसी के तहत जो छापेमारी है, लेकिन इस पर भारी पड़े हैं जो शराब माफिया हैं जो उत्पाद विभाग पर जो हमला किए, इसे लेकर सनसनी है पूरे इलाके में, वहीं गिरफ्तारी को लेकर लगातार छापेमारी चल रही है। मैं भोजपुर से नेहा गुप्ता, इंडिया वॉइस के लिए। और इसी के साथ एक्सप्रेस रिपोर्टर में ताही खबरें लगातार जारी हैं। देश और दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।